नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। कोरोना वायरस के लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लगभग सभी जगह पर मार्केट बंद है। यहाँ तक के जो मतलब के बीजेपी शासित राज्य नहीं है, वहाँ पर भी नियम का पालन किया जा रहा है। और इस समय में जब प्रधानमंत्री ने कहा कि थाली और उसके बाद जब दीप जलाने का प्रोग्राम 5 तारीख को हुआ, उसमें भी देशवासियों ने बिना किसी मज़हब और ज़ात और रंग को देखते हुए या किसी सियासी विचार को देखते हुए सारे लोग एक साथ खड़े थे। कुछ आलोचनाएं हुई थी। वैसे जो है हिंदुस्तान में लगभग जो भी स्कूल्स और कॉलेजेस है वो 16 मई तक के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं, कोई भी क्लासेस नहीं होंगे। और हिंदुस्तान में जो अब तक का केस है वो लगभग 5,000 के पार हो चुका है और डेथ जो है 170 हो गया है। ममता बनर्जी के बंगाल में, जहाँ ममता बनर्जी पिछले कई सालों से बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रही है, वो दूसरी तरफ ये देखा गया है कि ममता बनर्जी का जो काम रहा है इस पूरे कोरोना को लेकर, वहाँ तो ये मतलब स्पष्ट हो चुका है कि उनकी सीटें बढ़नी है, क्योंकि जिस तरह से वो वन वुमेन आर्मी की तरह बाहर आई है, वो उनका सीट बढ़ने के चांसेस है। और यहाँ पे क्या है कि विजुअल के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। जो सियासी लोग हैं वो भी कर रहे हैं, जो समाजी लोग हैं वो भी कर रहे हैं। और इस वक्त पूरा देश सबसे पहले इसके खिलाफ खड़ा है। उसके बाद जो है सियासी विचार लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, मगर कोरोना को लेकर देश में अलग अलग लोग हैं। यहाँ पे जो मतलब के काउंसलर भी हैं और कुछ वार्ड के जिम्मेदार हजरात हैं जो इस पूरे काम में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनसे हम बात जानेंगे कि इस वक्त का जो मतलब के परिस्थिति है वो किस तरह से आपस में ले जाके आगे बढ़ने का है, किसी सियासी मफाद को ना देखते हुए किस तरह से एकजुटता का है। तो मैं आपको ले चल रहा हूँ कि कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। सर ये बताइए, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम परवेज़ इकबाल, मैं तृणमूल कांग्रेस वार्ड 43 का सदर हूँ और हमारी वाइफ शगुप्ता परवीन इस वार्ड की पार्षदा हैं। अच्छा, ये देखा ये कि पूरे देश में या पूरे बंगाल में जो है लोग एक साथ खड़े हैं कोरोना को लेकर, तो ममता बनर्जी की तरफ से क्या गाइडलाइंस आप लोगों को आया और आप किस तरह से पालन करें? क्योंकि ममता बनर्जी तो बहुत मतलब के इस गाइडलाइन को फॉलो कर रही है, लोग बहुत उनके सपोर्ट में भी, और ये भी माना जा रहा है कि सीट भी बढ़ सकते हैं इस बार ममता बनर्जी। हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जब से ये कोरोना वायरस का ये मामला हुआ है तब से हर वक्त उनको ऑन द रोड पे देखा जा रहा है। ग्रामीण एरिया में जा रही हैं, देहात एरिया में जा रही हैं, शहर में जा रही हैं, और अपने वार्ड के तमाम MLAs हो, काउंसलर हो, MPs हो, सबको बोले आप लोग को पूरा मैदान में उतरना है। लोगों हर जगह पश्चिम बंगला में जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों को आज हम लोग का 43 वार्ड का जिम्मेदारी है, हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने वार्ड को देख रहे हैं। हमारे पास वार्ड के हर एरिया, अभी देखिए हम लोग यहाँ बांगल बिल्डिंग MG रोड में खड़े हैं, आज हम लोग का यहाँ सैनिटाइज़र हुआ। हमारे साथ परवेज़ इकबाल थे, उन्होंने जो अपनी बात बताई है। हमारे साथ जो है वार्ड की काउंसलर मोहतरमा शगुफ्ता परवीन है, तो बहुत वार्ड के लोगों के साथ हैं और यहाँ पे मौजूद हैं। तो यह शगुफ्ता जी, ये बताइए कि अभी जो वार्ड में काम हो रहा है तो उसमें किस तरह से आपको लोगों का सहयोग मिल रहा है और आप किस तरह से लोगों के बीच हैं? मेरे वार्ड में 43 वार्ड में जो काम हो रहा है, इसमें बहुत से भाई जिम्मेदार हैं, सोशल वर्क करते हैं, उन लोग का बहुत सम्मान सहयोग मिल रहा है। जैसे देखा कि बहुत से जगहों पे राशन वाशन लेके जा रहे हैं, तो उसमें किस तरह का लोगों से सपोर्ट मिल रहा है? लोगों से अपना नंबर दिया गया है, जो ज़रूरतमंदों को जो सामान जरूरत चाहिए उसमें कॉन्टैक्ट करें, आके मिले, उन लोगों का सामान हम लोग राशन का जो ज़रूरत की चीज़ है हम लोग पूरा ख्याल कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। तो मोहतरमा शगुफ्ता परवीन थी एकाक, और जो यहाँ पर जो समाजी लोग हैं जो किसी विचार पॉलिटिकल विचार से शायद फॉलो नहीं करते हो। अच्छा, ये बताइए कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं और जो लोग सियासी तौर पे नहीं है मगर कौम का खिदमत कर रहे हैं, तो इसमें किस तरह से वार्ड 43 या कलकत्ता या मगरी बंगाल में जितने भी यूथ है सारे लोग इकट्ठा है? अभी जो माहौल है कोरोना वायरस के लेके, इस माहौल में सभी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सभी यूथ को मिलजुल के आपस में काम करना चाहिए। सभी जो पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, किसी भी फाउंडेशन से जुड़े हो, सबको एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो काम भी कर रहे हैं और प्लस बीजेपी या कांग्रेस या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के विचारों को भी लेके चल रहे हैं, मगर आप जैसे लोग हैं जो सियासी तौर पे भी मतलब एक्टिव हैं मगर सामाजिक तौर पर अपना काम कर रहे हैं, तो आप लोग किस तरह से इनको देख रहे हैं और आपको ये जो इंस्पिरेशन आ रही है कि हमें कौम के लिए या अपने देशवासियों के लिए कुछ करना है, तो ये किस तरह से जागा इस कोरोना वायरस को लेकर? क्योंकि इससे पहले जो है देश में CNRC का चल रहा है, मगर अब लोग एक साथ हैं। देखिए, अभी जो माहौल है ना वो किसी पार्टी के लिए नहीं है, पूरे जितने भी देशवासी सभी को एक साथ जुट होकर ये काम करना होगा, तभी जाके कोरोना वायरस से हम लोग निजात पा सकते हैं।
अच्छा ये बताइए कि आप लोग अपने संस्था के तौर पर या जो भी ऑर्गेनाइजेशन उससे किस तरह का लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं? देखिए हर तरह से ही मदद किया जा रहा है, जिसको जहाँ खाना चाहिए, जिसको जहाँ राशन चाहिए दिया जा रहा है, जिस आदमी का कॉल आ रहा है हमको ये परेशानी हम लोग जा रहे हैं उसके पास। शुक्रिया। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो यहीं रहते हैं, जो लोकल लोग हैं वहाँ पे, चूँकि ये वार्ड 43 है और यहाँ पे ज़्यादातर जो संख्या है वो मतलब कि मुस्लिम वोटर है, मगर जो हिंदू वोटर्स है वो हमेशा आपस में भाईचारा बना कर हैं और एक साथ चलते हैं। यहाँ पर महसूस नहीं होता है कि कौन हिंदू कौन मुसलमान है, सबसे पहले शायद हिंदुस्तानी, उसके बाद किसी के धर्म या किसी के जाति पर बात आता है। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र अग्रवाल। वीरेंद्र जी, अभी जो माहौल चल रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री का बयान, एक तरफ जो है माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, तो दोनों में लोग एक साथ चल रहे हैं, तो इससे पहले ये देखने को नहीं मिला था, ऐसी क्या शक्ति है कि हिंदुस्तान को हमेशा इन संकट की घड़ी में एक साथ खड़ा करती? नहीं, हमारे वार्ड में तो हम लोग हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम वाला कभी कोई मुद्दा रहा ही नहीं, हम लोग सब आपस में हमेशा से ही मिल करके रहे। तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं कि हाँ देश के वजह और हालत अभी एक साथ खड़े हो जाए, तो क्या शक्ति है कि सब हमेशा एक साथ खड़े हो जाते हैं? सब ये मुसीबत के समय है, मुसीबत के समय तो हमें सबको एक साथ ही खड़ा होकर के उसका मुकाबला करना पड़ेगा, अकेले अकेले हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि कॉरपोरेशन की तरफ से कितना आपकी बिल्डिंग में काम हुआ है? नहीं, मैं सबसे पहले तो परवेज भैया का बहुत शुक्रगुजार हूँगा कि मैंने उनसे दरखास्त की कि आप पीछे तो काम करवा रहे हो और इधर MG रोड की तरफ आपका ध्यान नहीं है, तो उनको उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। इसके बाद में मैं हमारी वार्ड के काउंसिलर हैं उनसे फेसबुक के ऊपर मैं उनसे दरखास्त की और आज 2 दिन बाद में नतीजा सामने है कि आज हमारे वार्ड में पूरी तरीका से सैनिटाइज हो रहा है। तो क्या लग रहा है, जीत जाएंगे एकदम? बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जिम्मेदार हजरात हैं, एक भाई और है शायद उनसे बात होगी, उनसे जानेंगे, क्योंकि देखिए एक बहुत अच्छा संदेश है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि ठीक है मज़हब के नाम पर कभी बंट जाते हैं लोग, मगर जब संकट की घड़ी आती है तो हिंदुस्तान में सारे लोग एक साथ खड़े होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस मज़हब जाति से वो ताल्लुक़ रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार सिंह। संदीप जी, अभी जो चल रहा है सैनिटाइजेशन का वर्क चल रहा है, उसमें किस तरह से मतलब सहयोग चल रहा है और किस तरह से नियमों का पालन जो है आपके हिसाब से आपके वार्ड में या आपके बिल्डिंग में या आप अपने तौर पर कर रहे हैं? हम लोग पूरी तरह से नियम का पालन कर रहे हैं, जैसे 1 मीटर का दूरी बना के रहना है तो उसी हिसाब से हम लोग रह रहे हैं। बाकी हम लोग के काउंसलर साहब हैं, भाभी जी हैं, सगुप्ता परवीन जी, उनका टोटल बात मान करके हम लोग चल रहे हैं और हम लोग का टोटल वार्ड का हर आदमी ही काउंसलर है, अपने हिसाब से सब कोई काम करता है, किसी को कोई कुछ नहीं है, मतलब जो उनका भार है वो हम अपने लोग भी भार लेकर के अपना सबका साथ देखे। कॉर्पोरेशन की तरफ से जो सहायता मिल रही है और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जिस तरह से रोल आया है उसको किस तरह से देखते हैं? अच्छी बात है, करनी चाहिए एकदम, बहुत अच्छी बात है। उनका ममता बनर्जी का जो काम है बहुत अच्छा है, हर एक स्टेट में ऐसा होना चाहिए और करना चाहिए। अच्छा। ये सब जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, होना भी चाहिए। तो यहाँ पे वार्ड 43 मतलब ये सेंट्रल कोलकाता का सबसे महत्वपूर्ण वार्ड है, इसी वार्ड में जो है बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें रहती हैं, तो ये वार्ड में बहुत काम चल रहा है और साथ ही साथ जो काउंसिलर है किसी भी पार्टी के हो या किसी भी मतलब के ताल्लुक मतलब किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मगर ममता बनर्जी के साथ पूरे लोग अभी खड़े हैं और ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं और काउंसिलर की तरफ से लोगों को सपोर्ट भी मिल रहा है, जैसा कि यहाँ पे जो लोग व्यक्ति मौजूद है। तो मैं फिर किसी बड़े अपडेट के साथ आपसे जुड़ूंगा, मगर एक चीज़ ये है कि अभी जो कोरोना वायरस का जो इफेक्ट चल रहा है बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो बस मेरा आप लोगों से ये निवेदन है मतलब के देशवासियों की तरफ से चैनल की तरफ से कि आप साफ़ सुथरा रहे, सैनिटाइज़ करें और जब खाने से पहले ज़रूर एक मरतबा सैनिटाइज़ करके अपने हाथों को डिटॉल या कुछ भी जो भी आपको सैनिटाइज़र वो इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरा रहे, आप अपने जगहों को साफ़ सुथरा रहे, नियम का पालन करें, दवा वगैरह लेने के मौके पर आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर ज़रूर चले और जो भी नियम अनुसार गाइडलाइन फॉलो किए जाते हैं आपके अथॉरिटी की तरफ से, काउंसिलर की तरफ से, MLA की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से, उसका पालन करें। मैं रज़ा अंसारी, मैं फिर जुड़ूंगा बड़े अपडेट के साथ। शुक्रिया।